हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का उनका हक दिलाने का भरोसा जगाया। सतीश पूनिया। भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने तारातारा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बाड़मेर में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि भाजपा ने सत्ता को कभी साध्य नहीं माना। सत्ता हमारे लिए सदैव लोक सेवा और लोक कल्याण का ही माध्यम रही है और हमारा लोक कल्याण में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपना आदर्श मानता है। दीनदयाल जी का अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को मकान देने और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने सिर्फ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के दुख और कष्ट को समझा बल्कि उन्हें यह भरोसा लगाया कि यह सरकार सही मायने में उनके हक के लिए काम कर रही है। सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत ने आजादी के बाद अपनी सरकार तो पाई लेकिन उसमें राष्ट्रवाद के तत्व का हमेशा अभाव रहा। भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद और सर्वसमावेशी हिंदुत्व भाव को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ऐसा करके उसने करोड़ों भारतीयों को भारत के स्वर्णिम अतीत, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और भारतीय सभ्यता को लेकर गर्व से सिर ऊंचा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा कश्मीर में धारा 370 और 65 की समाप्ति हो या फिर राम मंदिर के निर्माण का आरंभ हो, यह सब उसी दिशा में बढ़ते कदम है। सक्षम, समर्थ, सबल और आत्मनिर्भर भारत ही भाजपा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ ही देश की सीमाओं को भी सुदृढ़ किया है। डोकलाम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं ने देश की सेनाओं को साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व के चलते अब कोई भी भारत की सीमा पर गलत नजर नहीं डाल सकता। पूनिया ने कहा कि मैं सीमावर्ती जिलों में वर्षों से आ रहा हूं। सीमा क्षेत्र पर राष्ट्रवाद के विचार मजबूती से जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी मोर्चे इतनी तेज गति से बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, यह मेरे लिए सुखद क्षण है। पंचायत चुनाव तथा जिला परिषदों में भाजपा के विपक्ष में रहते हुए इतना शानदार प्रदर्शन अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि मोर्चे पार्टी की जान है। उन्होंने केंद्र सरकार की जनधन खाता योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, सिर पर छत योजना का लाभ सबको मिलने की बात कही। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की वजह से तथा वैज्ञानिकों की मेहनत से 9 महीनों में कोरोना की वैक्सीन आई। पंजाब सरकार द्वारा की गई हरकत को सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी युग में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी तथा कर्म कार्यकर्ताओं के लिए चलेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संत प्रताप पुरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तारातारा मठ में प्रथम बार पधारे हैं, इसीलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले, मिलकर विचार करें तथा सभी मिलकर सन्मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत का स्वर्णीय काल आया है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य धर्म तथा फर्ज निभाना है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा हुआ है जिसे हमें स्वीकार कर तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को न थकना है, न रुकना है, न झुकना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है तथा दिन रात मेहनत करके 2022 तथा 2023 में विजय श्री हासिल करना है। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि सातों मोर्चों की संयुक्त बैठक में स्वागत भाषण भाजपा जिला अध्यक्ष आदुरा मेघवाल द्वारा दिया गया। रणवीर सिंह भादू ने आगंतुकों का परिचय करवाया। मंच संचालन स्वरूप सिंह खारा ने किया। धन्यवाद अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरमारा मेघवाल ने दिया। बोथरा ने बताया कि तरह तरह मठ के मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में संत प्रताप पुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधव राम चौधरी, प्रदेश मंत्री के विश्रोही, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सेला राम सारण सिवाना, विधायक हमीर सिंह भायल, भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बाठिया, दिलीप पालीवाल एवं स्वरूप सिंह राठौड़, जोगेंद्र सिंह, सिलोर जिला महामंत्री बालाराम मुड़ एवं स्वरूप सिंह खारा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जालम सिंह रावलोत, तरुण राय, कागा ललित बोथरा, लक्ष्मण वडेरा, अनंत राम विश्रोही, रूपा राम सारण, मुकेश कोहली, रूप सिंह राठौड़, अशरफ अली तेली, पद्माराम मेघवाल, ईश्वर नवल, डॉक्टर राधा रामावत, रणवीर सिंह भादू, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, वीरमा राम मेघवाल, अकबर खान, डॉक्टर बाबूधाम चारण, अनीता चौहान, तिलोक चंद चौधरी, राजा राम भादू, नरपत धारा, नरपत मोड़ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व फैशन डिजाइनर रूमा देवी के घर जाकर स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं से चर्चा की। अंबेडकर सर्कल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया। महादेव पेट्रोल पंप पर बाड़मेर कादान मंडल के मंडल अध्यक्ष चंपत सिंह भवरिया के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया गया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।